वेलकम फ्रेंड्स। ट्रिपल इंटीग्रेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने कमेंट शेयर करें। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं पहले, तो वो कंसेप्ट आपने नहीं पढ़ा है तो वो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। और जो आपके अगर कुछ अलग प्रॉब्लम्स हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन से रिलेटेड या बीएससी के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पर बता सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है। यहाँ समाकलन का जो क्षेत्र है या इंटीग्रेटेड एरिया जो है, उसका क्षेत्र यहाँ पे दिया हुआ है कि धनात्मक अष्टांशक में दीर्घवृत्तज का आयतन है। वो दीर्घवृत्तज क्या है? इलिप्सॉइड, जिसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू वन। इस इलिप्सॉइड में भी जो इसका पॉजिटिव ऑक्टेंट जो होता है, इसका 1/8 पार्ट, उस पॉजिटिव ऑक्टेंट में हमको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमको ये प्रूफ करके बतानी है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पे डिरिचलेट्स का ये फॉर्म दिख रहा है कि डिरिचलेट्स इंटीग्रेशन का जो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो वो वाला फॉर्म पूरा का पूरा यहाँ पे दिख रहा है कि वही जो स्टैंडर्ड जो फार्मूला था उसका फॉर्म है। लेकिन उसके साथ जो कंडीशन होती है वो होती है x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू वन। तो यहाँ पे वो x प्लस वाई प्लस जेड ना होके ये इलिप्सॉइड का इक्वेशन है। तो पहले हम इसको लिखते हैं कि यहाँ क्योंकि ये सरल रैखिक समीकरण या एक रैखिक में पद ये नहीं है, रेखीय रूप में नहीं है, दो घात वाले पद हैं, तो हम इस पर डायरेक्ट डिरिचलेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए हम इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके लिखेंगे। तो पहले हमको रीज़न लिखना है कि यहाँ पर जो समाकलन दिया हुआ है उस पर हम सीधे डिरिचलेट समाकल का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो प्रतिबंध है वो एक घातीय पदों में नहीं दिया हुआ है। तो पहले इस प्रतिबंध को हम एक घातीय पदों में बनाने के लिए यहाँ पर प्रतिस्थापन का प्रयोग करेंगे। वो प्रतिस्थापन क्या करेंगे हम कि माना कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर यू एंड वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर वी एंड जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू डब्लू। ये तीन वैल्यूज़ हम यहाँ पे प्रतिस्थापित करेंगे कि इन तीनों को हम मान लेते हैं यू वी और डब्लू, या कोई भी अदर वेरिएबल, कोई भी अलग से वेरिएबल जो है वो हमको लेना है। तो अब जब यहाँ पे हम मान रखेंगे इनकी जगह, तो ये u प्लस वी प्लस डब्लू इज़ लेस देन इक्वल टू वन बनेगा, जो एक जो लीनियर इक्वेशन टाइप होती है उस टाइप में बन जाएगा, तो जो डिरिचलेट्स इंटीग्रल के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे हमने इसलिए इसका ट्रांसफॉर्म किया है। अब हमको इंटीग्रेशन के अंदर वैल्यूज़ चाहिए, एक तो एक्स वाई जेड की, जो तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए और अंडर रूट यू, यहाँ से निकाल सकते हैं। और एक वैल्यू चाहिए डी एक्स डी वाई डी जेड की, तो डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो डी एक्स आएगा यहाँ से टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू डी यू, एक स्टेप पूरा ही लिख देते हैं, टू वाई डी वाई अपॉन बी स्क्वायर बराबर डी वी एंड टू जेड डी जेड अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू डी डब्लू। यहाँ से हमारे पास डी एक्स की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर अपॉन टू एक्स। अब यहाँ पे देखेंगे जब हम इसको डिवाइड करेंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे इसको, तो ये वैल्यू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ए स्क्वायर अपॉन टू एक्स। अब एक्स हमको पूरी वैल्यू ही यू में चेंज करनी है वेरिएबल में, तो हम एक्स का मान भी यहाँ से रख देंगे, तो हम टू इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू मिलेगी हमको यहाँ से ए अंडर रूट यू और इंटू डी यू। इसी तरह से यहाँ पे रखेंगे तो डी वाई बराबर आएगा बी स्क्वायर अपॉन टू बी अंडर रूट वी इंटू डी वी। ये हमने यहाँ से मान जो है वो रखे हैं एक्स वाई जेड के,
और ऐसे ही यहाँ पे डी जेड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सी स्क्वायर अपॉन टू सी अंडर रूट डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू। तो चाहो तो इसको अभी एक ए ए कैंसिल करके लिख सकते हैं, या हम डी एक्स डी वाई डी जेड का मान निकालते हैं यहाँ से, क्योंकि हमको क्वेश्चन में चाहिए। तो डी एक्स डी वाई एंड डी जेड तीनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए हमको। देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर है, ये ए है, पहले तो ये पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे एक एक पावर बचेगी, अपॉन में नहीं बचेगी। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए बी सी, और यहाँ अपॉन में आएगा टू इंटू टू इंटू टू थ्री टाइम्स, तो ये एट हो जाएगा। और अंडर रूट यू वी डब्ल्यू ये सब भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो अंडर रूट यू वी डब्ल्यू एक साथ लिख सकते हैं, और डी यू डी वी एंड डी डब्ल्यू ये मान आएगा डी एक्स डी वाई डी जेड का। अब हम इंटीग्रेशन में रखते हैं ये वाले वैल्यूज़। इंटीग्रेशन है हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ वी x की पावर l माइनस वन, y की पावर m माइनस वन, z की पावर n माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड, ये गिवन इंटीग्रेशन है। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन, x की वैल्यू, x पे पावर अप्लाई करनी है l माइनस वन, x की वैल्यू देखो निकालेंगे पहली बात तो x की वैल्यू आएगी a और अंडर रूट यू या यू की पावर वन बाई टू, इस पे पावर अप्लाई होगी एल माइनस वन। ऐसे ही वी की वैल्यू, वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी बी वी की पावर वन बाई टू, और इस पे पावर अप्लाई होगी एम माइनस वन। सिमिलरली हम जेड की वैल्यू निकालेंगे तो जेड की वैल्यू आएगी सी डब्ल्यू की पावर वन बाई टू, ये सिमिलरली यहाँ पे जो है सेम चल रहे हैं कंसेप्ट जो है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको, और इस पे पावर अप्लाई होगी एन माइनस वन। डी एक्स डी वाई डी जेड का मान हमने यहाँ निकाला था, तो इसमें हम ए बी सी अपॉन एट अंडर रूट यू वी डब्ल्यू और डी यू डी वी डी डब्ल्यू ये माना जाएंगे। अब जो जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट सारे हम बाहर निकाल सकते हैं इसमें से। कांस्टेंट आप देखेंगे ए बी सी और ये एट, ये बाहर आएगा, तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ रखेंगे। अब पावर जो है वो पूरी कैलकुलेट करते हैं कि कितनी पावर से जो है यहाँ पे टोटल बन रही है। तो ए की पावर कैलकुलेट करते हैं पहले, क्योंकि जो पावर ए पे आएगी उसी में सिर्फ एल एम एन का चेंज होगा, वही पावर बी और सी पे भी आएगी। तो ए की पावर देखो, ए की पावर एक तो यहाँ पे है, ये है एल माइनस वन पावर, ए की पावर इसके अलावा यहाँ पे है वो है प्लस वन पावर, तो ये तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल और ए की पावर एल बचेगी, उसके अलावा ए की पावर एल, ए की पावर जो है वो कहीं नहीं है। सिमिलरली ऐसे कैसे हम बी की पावर कैलकुलेट करेंगे, तो बी की पावर एम माइनस वन और एक पावर यहाँ पे है ये प्लस वन, ये कैंसिल और बी की पावर बचेगी एम। इस तरह से ए बी सी पे जो पावर आएंगी वो ए की पावर एल, बी की पावर एम और सी की पावर एन ये बचेगी, और हम एक एट बाहर निकाल सकते हैं तो एट को निकाल लेंगे। अब बचे यू वी डब्ल्यू, तो यू वी डब्ल्यू की पावर भी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे यू की पावर आप देखेंगे, यू की पावर है एल माइनस वन और इसी से मल्टीप्लाई होगा वन बाई टू, यानी कि एल बाई टू और माइनस वन बाई टू, हमने वन बाई टू दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। U की उसके अलावा ये पावर है एक अपॉन में, उसके अलावा ऊपर और कोई पावर नहीं है U की अपॉन में पावर है वो भी वन बाई टू, वन बाई टू ऊपर आएगी तो वो माइनस का वन बाई टू बन जाएगी। तो मींस जो U की पावर बची, उस U की पावर जो टोटल बचेगी वो बचेगी L बाई टू माइनस वन, ये माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू ऐड हो जाएगा और ये माइनस का वन आ जाएगा। तो मींस U की जो टोटल पावर आई यहाँ पे, अब ये ट्रिपल इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, और U की पावर हम लिखेंगे तो U की पावर बनेगी L बाई टू माइनस वन। ऐसे कि ऐसे ही हम V और W की लिख सकते हैं,
तो v की पावर बनेगी m बाई टू माइनस वन और w की पावर बनेगी n बाई टू माइनस वन। तो ये पावर्स जो हैं वो सारी हमने कैलकुलेट करके लिख दी और यहाँ पे बचा du, dv, dw। ये जो है इंटीग्रेशन, ये डिरिचलेट्स इंटीग्रेशन का पार्ट है और यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो भी हम लिख सकते हैं कि वेयर कंडीशन को हम लिखेंगे वेयर u प्लस v प्लस w इज़ लेस देन इक्वल टू वन, क्योंकि अब यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई हो रही है और पूरा जो इंटीग्रेशन है वो डिरिचलेट्स की फॉर्म में है। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं कि यूजिंग डिरिचलेट्स इंटीग्रल, डिरिचलेट्स इंटीग्रल या इंटीग्रल फॉर्मूला कैसे भी, तो जो हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन था वो था x की पावर l माइनस वन, y की पावर m माइनस वन एंड z की पावर n माइनस वन डी एक्स डी वाई डी जेड, और जिसकी जो वैल्यू आई है हमारे पास वो वैल्यू आई है a की पावर l, b की पावर m, c की पावर n अपॉन 8। और फार्मूला जो होता है वो हम जानते हैं कि ये जो पावर्स हैं यहाँ पे वो सब गामा के अंदर आएंगी, एल बाई टू, गामा एम बाई टू और गामा एन बाई टू। ये तीनों पावर्स ऐड होके अपॉन में आएंगी और उनके साथ वन और ऐड होगा प्लस में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गामा एल बाई टू, एम बाई टू, एन बाई टू प्लस वन। ठीक, ये जो है हमने फॉर्मूले से मान रखा है डिरिचलेट्स से, और इसी को एक बार और हम सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो ये आएगा a की पावर l, b की पावर m, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है उस फॉर्म में ही हम आंसर देंगे। तो यहाँ आएगा ये गामा l बाई टू, गामा m बाई टू और गामा n बाई टू, और यहाँ से टू को कॉमन लिया हुआ है जो प्रूफ करना है हमको रिजल्ट उसमें, तो यहाँ हम वन बाई टू को कॉमन ले लेते हैं और गामा के अंदर बचेगा एल बाई सॉरी एल प्लस एम प्लस एन प्लस टू। और ये जो है आरएचएस पार्ट है जिस जो हमको प्रूफ करना था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं पूरा रिजल्ट, और डिरिचलेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है जिसमें डिरिचलेट्स डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा, पहले हमको उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा और बाद में जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट होकर कि इंटीग्रेशन ज़्यादातर कंसेप्ट, क्योंकि जो कंसेप्ट हैं वो यही बनते हैं, इक्वेशन ज़्यादातर इसी तरह की आती हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आपका जो इंटीग्रेशन का पार्ट है वो थोड़ा इधर उधर चेंज होता रहता है। यूज़फुल लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।